नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है इस नाम का इंसान, इस नाम का व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस बात को बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल भी तकलीफ मत मानिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आपके दिल को ठेस नहीं पहुँचा रहे। दोस्तों, हम आपके जीवन काल की आपको सच्चाई बता रहे हैं, ताकि दोस्तों आप भविष्य में ऐसे व्यक्तियों से संभल सके, अपने जीवन काल में आप तरक्की कर सके। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों हमने पिछले कई सारे वीडियो में आपको बहुत सारे इनके बारे में बात किए हैं, कि दोस्तों फिर भी बहुत सारी जातकों के ऐसे कमेंट आते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, हमारे जीवन काल की परेशानियाँ खत्म नहीं हो रही है, और कौन सा व्यक्ति है जो हमारे पीछे पड़ा है, जिनकी वजह से हमें इतना दुख झेलना पड़ा है, जिनके कारण हमें जीवन काल में कभी सफलताएं नहीं मिल पा रही है, लगातार परेशानियां ही हमारे जीवन काल में चल रही है। तो दोस्तों, हम आप सभी के सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, कि आखिर वह कौन सा व्यक्ति है जो कि आपके जान के पीछे पड़े हैं, आपको इस दुनिया से हटा देना चाहता है, वह चाहता है कि कब आप यहाँ से चले जाए और वो आपके जगह पर राज करे, वो शुभ सेन से दिए। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जब भी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ते हैं, जब भी अपने जीवन काल में आप खुश होते हैं, तो दोस्तों इस व्यक्ति को आपकी खुशी देखी नहीं जाती। इसी कारण दोस्तों ये आपको जान से मार देना चाहता है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ऐसे व्यक्ति से आप हो जाएं सावधान। जी दोस्तों, आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और दोस्तों, सबसे जानने वाली बात यह है कि दोस्तों यह कोई गैर व्यक्ति नहीं है जो कि आपको नहीं जानता है। दोस्तों, यह आपके सबसे अपने करीबी लोग हैं। जी दोस्तों, जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनके पास आप बैठे हैं, उठे हैं, उनके साथ हंसे खेले हैं। दोस्तों, ऐसे ही लोग हैं जो कि आपके साथ रहकर आपके साथ छल कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जीवन काल में आप बहुत ही कुछ करना चाहते थे। दोस्तों, जीवन काल में आप बहुत ही ज़्यादा आगे तक जाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इस व्यक्ति की वजह से कोई न कोई संकट आप सभी के जीवन काल में आ ही जाता है, जिनकी वजह से दोस्तों आपकी खुशखबरी दुखों में तब्दील हो जाती है, दुखों में बदल जाती है, जिनसे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और दोस्तों, आप अंदर ही अंदर ये सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा किस्मत ही खराब है, हमारा कार्य ही नहीं बन रहा है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी किस्मत खराब नहीं है, आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों आपका किस्मत भी उतना ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों आपको एक और ऐसा कर्म करना होगा कि दोस्तों इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकाल कर फेंक देना होगा। जी दोस्तों, तभी दोस्तों आप अपने जीवन काल में अपने जीवन काल के सारी खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे, साथी कैसे आप इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं इसके बारे में बताएंगे, साथी दोस्तों कौन से उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह व्यक्ति आप सभी के जीवन काल में दस्तक दे ही ना सके। दोस्तों, आपके जीवन की सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देख लीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी को दावे के साथ बता सकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% सटी होंगी, और दोस्तों इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपका आशा और विश्वास इनके ऊपर जो आपने रखे हैं दोस्तों वो टूट जाएंगे, कि दोस्तों विश्वास एक बहुत ही नाजुक सी चीज़ है, जिसके ऊपर दोस्तों एक बार आ जाता है दोस्तों उठता नहीं, और अगर उठ जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जुड़ता नहीं है। जी दोस्तों, और यह बात सत्य भी है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि जो भी हमारे जीवन काल में दुश्मन होते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में शत्रु होते हैं, जो भी हमें नुकसान करने की चाहत रखते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से पीछा छुड़ा ही लेना अच्छा होता है। यह व्यक्ति अगर आपको जीवन काल में एक बार धोखा दे दे तो उन्हें माफ कर दीजिए और अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना बहुत ही बड़ा बेवकूफी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान,
जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों, आप सभी के दुखों का अंत कर देंगे, जुनकाल में परेशानियां कभी आएंगे ही नहीं, और श्री राम और महाबली हनुमान जी का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं। हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई सालों से आपके साथ ऐसा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत ज़्यादा अपने थे, यानी कि दोस्तों आप जिनके बहुत ज़्यादा करीब थे, जो आपके करीब लोग थे, वही आज के ज़माने में आपके जान के दुश्मन बन चुके हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था, और दोस्तों यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो दोस्तों इनके अंदर जलन महसूस होने लगती है। दोस्तों किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने हैं। जी दोस्तों, और आपके भी जीवन काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों, और यहाँ आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें, कि दोस्तों अब आपको अपने जीवन काल में संभलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जी दोस्तों, और दोस्तों जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं, यानी कि दोस्तों किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है, किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना, क्योंकि दोस्तों चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता। लोग आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई का नकाब पहनकर आपसे मीठी मीठी दो चार बातें कर लेते हैं, और जब आपसे काम निकल जाता है तो दोस्तों वे आपको लात मार देते हैं। दोस्तों कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ क्या दोस्तों ये आपके जुनकाल में फिलहाल नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आपके साथ तरह तरह की बातें करेंगे, लोग आपको तरह तरह की सलाह भी देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वही जिनमें आपका हृदय, जिनमें आपका दिलो दिमाग सपोर्ट कर रहा हो, यानी कि दोस्तों सोच समझ कर ही आप खुद से अब निर्णय लें। जी हाँ दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी है, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपने जीवन काल में यह गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी जो भी फैसला लेंगे खुद से ही लेंगे, आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दें, क्यों दोस्तों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है। अगर आपको विश्वास करना ही है तो दोस्तों अपने मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें, और दोस्तों अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे, और दोस्तों आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। दोस्तों किसी ने सही कहा है कि जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी आपका होगा और जवाब भी आपके ही होंगे। इसके साथ ही दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा कीजिए, खुद पर थोड़ी वफा कीजिए, और जो आपको दर्द दे उसे दफा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें, ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं, और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम आप सभी से बस यही कहेंगे कि कभी भी दूसरों से अपेक्षा ना रखें। दोस्तों अपने आप को आगे बढ़ाएं, मेहनत करें, सच्चे दिल से परिश्रम करें दोस्तों, और ईश्वर पर जिसे आप यकीन रखते हैं इसी प्रकार दोस्तों यकीन रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से इस राशि के जो लोग हैं जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान हैं, जी दोस्तों ब्रह्मांड में विश्व में कुल जितनी भी राशियां हैं समस्त राशियों में से आपकी ही एक राशि एकलौता ऐसी है जिनके पिछले कुछ वर्ष बहुत ही ज़्यादा दुखद बीते हैं।
और शायद दोस्तों बहुत ही मुसीबतों का सामना भी आपने किए हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे, दोस्तों यश में जो आपकी ग्रहों की उपस्थिति है वह दर्शा रही है कि आज रात 12 बजे से आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कुछ लोग करने वाले हैं। यूँ कहें तो दोस्तों आपकी जीवन काल में संकट आने वाली है जी दोस्तों, परंतु दोस्तों इस बार जो आपके ऊपर संकट आने वाले हैं, जो मुसीबतें आने वाली है, इनमें आपकी ही गलतियां छुपी हुई दिख रही है जी दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों आपका नेचर बहुत ही सीधा होता है, बहुत ही सरल स्वभाव के आप लोग होते हैं और दोस्तों आपके मन में कोई भी कपट नहीं रहता है। दोस्तों कभी किसी को लेकर आप बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी को नीचा गिराने के बारे में सोचते हैं और दोस्तों ना ही किसी को पीछे ढकलने के बारे में भी सोचते हैं। परंतु दोस्तों इतने सीधे इतने अच्छे होने के बावजूद भी इस राशि के जातकों का लाभ पूरा दुनिया उठा रही है और दोस्तों लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाकर अपने जादू में आपको फंसा रहे हैं। यूँ कहें दोस्तों तांत्रिक क्रिया में आपको फंसा रहे हैं, यानी कि दोस्तों आपको बता दें कुछ लोग अपने बातों से ही कुछ ऐसे जादू करते हैं कि दोस्तों आप उनके जाल में फंसते जाते हैं जी दोस्तों, और इसी के चलते आपके जीवन काल में संकटों का आपको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपके जीवन में छुपे कोई 3 ऐसे लोग हैं जो आज रात 12 बजे से जी दोस्तों पुनः सुन लीजिए, आपके ही जीवन काल में रहने वाले 3 लोग जो कि आज रात 12 बजे से आपको अपने बातों के जादू में फंसाने वाले हैं। यूँ कहें बातों की ऐसी तांत्रिक क्रिया होगी जैसे आप उनके जाल में फंसने वाले हैं और दोस्तों इस बार कोई बड़ी मुसीबत आपके सर आ सकती है। तो दोस्तों इसमें आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपके राशि के जो भी जातक हैं आपको 3 गलतियां बताने वाले हैं। जिस दिन जिस 3 गलतियों को दोस्तों आप अपने आने वाले आगे जीवन में बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल ही ना दोहराएं जी दोस्तों, अभी भी आप इन गलतियों को गांठ बांध लें जी दोस्तों। चाहे आप कुछ भी कर लेंगे परंतु आपने जीवन में 3 गलतियों को कभी भी भूल कर नहीं करेंगे जी दोस्तों। जब आप इनके बारे में जानेंगे तो दोस्तों सर्वप्रथम आपकी गलती आती है सभी को अपना समझने की भूल जी दोस्तों। इस राशि के जातक सभी को अपना मानते हैं, यह लोग दोस्तों एकता में विश्वास रखते हैं। आप लोग सोचते हैं कि सभी का विकास एक साथ होना चाहिए। दोस्तों अगर हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आए तो सभी को एक साथ रहकर झेलनी चाहिए जी दोस्तों, और वहीं दूसरे लोगों की सोच आपके विपरीत होती है जी दोस्तों। आपको बता दें आप हमेशा अपने साथियों का, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों का भला चाहते हैं, परिवारों का भला चाहते हैं, उनकी मुसीबतों में आप शामिल रहते हैं, उनके मुसीबतों को भी आप अपने शर ले लेते हैं। परंतु दोस्तों वह लोग केवल केवल आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं जी हाँ दोस्तों। आपको बता दें कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है तो दोस्तों आप देखते हैं कि आपके साथ कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं है। दोस्तों सब दुम दबाकर आपके पास से भाग जाते हैं जी दोस्तों। अगर आपको हमारा यह बात सच्चा लग रहा हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी दोस्तों कि आप कभी अपने जीवन काल में ऐसे हुए हैं जब आप अपनों की गलती को अपने शर ले लिए हैं, उनकी मुसीबतों को आपने बांटा है, परंतु दोस्तों जब आप पर संकट आया तब दोस्तों सब भाग गए। दोस्तों आपको अपने मुसीबतों का सामना अकेले ही करना पड़ा, इसलिए दोस्तों आप इन सभी बातों को गांठ बांध कर रख लीजिए कि दोस्तों बिना किसी को सोचे, बिना किसी को समझे उनके ऊपर भरोसा और उनकी मदद बिल्कुल ही ना करें। आज से ही आप इनको करना बंद कर दें जी हाँ दोस्तों, आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। अगर दोस्तों आप गलती करते रहेंगे तो दोस्तों आपका दुख आपको ही मिलेगा, किसी और इंसान को नहीं मिलेगा। आपको अपना दुख स्वयं ही झेलना पड़ेगा, किसी और को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों आज से आप अपने की सोचें। और दोस्तों आपकी दूसरी गलतियां होती है कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं आप जीवन से जुड़े सबसे बड़े महत्वपूर्ण बातों को शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों यह बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस भी इंसान से मिले, चाहे आपसे बार बार मिले हो या फिर बहुत सालों के बाद एक बार मिले हो,
लेकिन दोस्तों आप उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए आप अपने जीवन से जुड़े कुछ भी महत्वपूर्ण बातों को बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही भले आपसे मिलते हैं लेकिन दोस्तों आपके सभी बातों को जान लेते हैं और फिर आपके ऊपर में संकटों का वह ऐसा जाल बिछाते हैं कि दोस्तों आप उनमें फंसते चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी गलती आपके जीवन में यह है कि दोस्तों धन के मामले में किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा ना करें, क्यों दोस्तों वर्तमान समय में पैसा ही सब कुछ है। जी हाँ दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन दोस्तों इस बात पर सच्चाई भी है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आपको बता दें कि आज के दौर में पैसों को लेकर किसी का भी नियत बिगड़ सकता है दोस्तों। वही दोस्तों घरों की आज की जो स्थिति है वो आप बता रही है दोस्तों। आज रात 12 बजे से आपके ऊपर कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करने वाले हैं, यूँ कहें तो दोस्तों अपने बातों के जाल में आपको फंसाने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको बचना है, जो लोग आपके जीवन काल में आपके पहचान में हैं दोस्तों उनसे आप दूर रहें। जो भी लोग आपको ऐसे बातों में फंसाना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति की आप पहचान करें और ढूंढ ढूंढ कर उनसे अपना संबंध तोड़ दें। जी दोस्तों, और दोस्तों उनसे बात भी करना आप बंद कर दें, इससे दोस्तों आपकी जो मुसीबतें हैं दिन प्रतिदिन घटती जाएंगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने जीवन काल में इन्हें रहने देंगे तो दोस्तों दिन प्रतिदिन आपकी जो मुसीबत है उनमें वृद्धि होती जाएगी और दोस्तों आपको इसकी भनक तक नहीं लगेंगी। क्यों दोस्तों, आप इन्हें सच्चे मित्र मानते हैं, आप ऐसे दुश्मनों से पीछा छुटा लीजिए। तो आइए दोस्तों विषय के साथ बात करते हैं कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, इनके नाम का पहला अक्षर क्या है, जो कि दोस्तों आपके जान के पीछे पड़े रहते हैं। दोस्तों हम आपसे को बता दें कि इस वीडियो में आगे हम जो नाम के पहले अक्षर बताने वाले हैं दोस्तों, ये नाम के पहले अक्षर आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में या फिर आपके रिश्तेदारों में ऐसा नाम ज़रूर होगा जी दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप उन्हीं नामों पर यकीन कीजिएगा जिन पर दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा शक रहता हो, जो आपको पहले कई बार धोखा दे चुके होंगे या फिर कभी धोखा देने का प्रयास किए होंगे दोस्तों, वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों नाम को बहुत ही गौर से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहला नाम जो आता है वह नाम है SPGMNOAVRLD। दोस्तों ये जो नाम के पहले अक्षर है दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपके अगर जीवन काल में है, आपके समीप में है और किसी पर आपको अगर शक हो रहा है तो दोस्तों यही इंसान आपके जीवन काल में सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। बस दोस्तों आपको करना क्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण उपायों को भी करना चाहिए। जो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में हनुमान जी के मंदिर में शनिवार या फिर मंगलवार के दिन एक पान का बीड़ा लेकर जाएं और दोस्तों महाबली हनुमान जी को अर्पित कर दें और वश में हनुमान जी से प्रार्थना करें कि संकट मोचन, जय श्री हनुमान जी, हमारे जीवन काल की सारी बाधाएं अब खत्म कर दीजिए, हमारे जीवन काल में जो भी हमसे भूल हो गई हमें क्षमा कर दीजिए, हमें अपने शरण में ले लीजिए, हे संकट मोचन कृपा निधान। जी हाँ दोस्तों, और यश में यही घरों की स्थिति बनी है कि आपके जीवन काल की जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं, उन सभी से आपको छुटकारा मिलने वाले हैं। माता लक्ष्मी, भगवान शनिदेव और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। यश में दोस्तों आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसी बात होंगी जो कि दोस्तों आपको बिल्कुल ही खुश कर देने वाले साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जीवन काल में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति के जीवन काल में दुख और सुख आते रहते हैं। दोस्तों अगर आप निराशा को पकड़ कर बैठ जाएंगे तो दोस्तों जीवन काल में आने वाला समय भी आपका निराशा भरा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन काल की ओर से भी चलता है। जी दोस्तों, हमारे अंतर की जो अंतरात्मा होती है दोस्तों वो ओरा होता है, और दोस्तों अगर हम उन्हें ही निराश कर दें तो दोस्तों आने वाला कोई भी कार्य हो, दोस्तों कितना भी बड़ा कार्य हो, वह सफल नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हम ही मन हार देते हैं, आप ही मन हार जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपने जीवन काल में चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, उनसे हार नहीं मानना है, बल्कि उनसे आपको उनका सामना करना है और सही समय का इंतजार करना है। जी हाँ दोस्तों,
और आपने बहुत शमी से इंतजार किया है। और दोस्तों आपशबी का महत्वपूर्ण शमी भी आ चुका है। यशमी आपशबी के जुनकाल के शारीरिक कष्ट स्वयं भगवान शनिदेव शूरदेव और माता लक्ष्मी दूर करने वाले हैं। आपशबी के जुनकाल में अब हर प्रकार की सुखों की प्राप्ति होने वाली है। हर प्रकार की दोस्तों जो भी कष्ट है वे सभी दूर होने वाले हैं। घर परिवार का वातावरण यशमी सुखमय बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों यशमी धन प्राप्ति के माध्यम से आपशबी के जुनकाल में जो भी घर की जरूरत थी, जो भी आर्थिक तंगियाँ थी दोस्तों, वे सारे दूर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि कौन सी सरल बातों का आपको यशमी ध्यान रखना होगा कि दोस्तों यशमी आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, शायद दोस्तों कोई आपको कितना भी कहे ये कार्य अभी कर लीजिए, ये कार्य बहुत ही इनके लिए बहुत ही कम समय है, लेकिन दोस्तों आपको जल्दबाजी में कार्य नहीं करना है। इनसे दोस्तों आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, नए क्षेत्र हैं तो दोस्तों उनमें आप सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों नए क्षेत्र में आपको यशमी ठगी कर सकते हैं। कोई भी लोग दोस्तों बिजनेस व्यापार में अगर आप किसी नई क्षेत्र में जा रहे हैं तो दोस्तों उसमें आपको सचेत रहना होगा। ये आपके लिए यशमी ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है कि उनमें धोखा आपको मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो दोस्तों नौकरी क्षेत्र में आपको भी धोखा मिल सकता है। कोई नए क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो दोस्तों उनमें आपको धोखा मिल ही सकता है, क्योंकि दोस्तों आप शिव को बता दें कि यशमी कोई ऐसा होगा जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा होगा। जी दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, धन प्राप्ति के भी योग हैं। दोस्तों यशमी बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो कि दोस्तों हमने आपको बताए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो लोग सरकारी नौकरी में कार्य करते हैं, पिछले समय से जो भी स्थान परिवर्तन की सोच रहे थे, तो दोस्तों यशमी आपके मन मुताबिक स्थान परिवर्तन होने वाले हैं। आपको यशमी आपकी जो भी करियर है उनमें सफलता मिलने वाली है। करियर संबंधी सभी कार्यों में आपको कामयाबी की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियां भी यशमी आपके सामने आ सकती है। आपको बहुत सारे अवसर यशमी प्राप्त होंगे। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों यशमी हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जो भी बाहरी गतिविधियाँ हैं दोस्तों उन्हें ध्यानपूर्वक कीजिएगा। जी दोस्तों, बाहरी गतिविधियों का मतलब है जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस का कार्य है बाहरी, पढ़ाई का भी क्षेत्र हो सकता है, धन से संबंधित जो भी कार्य है, जो दोस्तों बाहरी क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों उन पर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। ध्यान को केंद्रित करके ही अपने कार्यों को कीजिएगा। इनसे दोस्तों आपको कार्यों में लाभ होगा, वरना दोस्तों कोई व्यक्ति आपको ठगने का भी प्रयास कर सकता है। शादी शाह दोस्तों आपके समस्त कार्य इसमें संपूर्ण हो जाएंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। जी दोस्तों, शादी शाह दोस्तों जो लोग संतान प्राप्ति की पिछले कई समय से इच्छा रखते थे, दोस्तों यश में आपकी इच्छा पूरी होने वाली है और इसके कारण घर में खुशियों की एक नई किरण होगी। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यशमी भगवान शनिदेव की ऐसी कृपा आप सभी के जुनकाल में होगी, माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आप सभी के जुनकाल में होगी कि संतान की तरफ से आपको कोई उत्तम समाचार मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 घंटों का समय आपके जुनकाल में नई नई खुशियाँ लेकर आने वाली साबित होंगी। जी दोस्तों, बहुत सारे नए काम की शुरुआत आप यशमी करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि गंभीरता से ही आपको सभी कार्यों पर विचार करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। जी दोस्तों, तो ही आपको लाभ मिलने वाले हैं। यशमी दोस्तों कोई नज़दीकी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। जी दोस्तों, और यशमी किसी से मिलना जुलना भी हो सकता है। यात्राओं के साथ साथ दोस्तों यशमी आप सभी के जुनकाल में ओकेजन से जुड़ी हुई योजनाएं बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, शादी शाह दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी जो भी लोग उत्पाद के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी आपको लाभ मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी संबंधी कार्य कर रहे हैं, दोस्तों आप सभी को भी यशमी लाभ मिलने वाले हैं। यदि आप नया मकान नया वाहन की चाहत रखते थे, दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके लिए भी बहुत उत्तम योग हैं। समय बहुत ही अच्छा आप सभी के लिए रहने वाले हैं, बशर्ते दोस्तों आपको उधार देने से परहेज करना होगा। जी दोस्तों बुरे बन जाएं ये आपके लिए अच्छा होगा, उन्हें मना कर दें। जी दोस्तों, क्योंकि बुरा आप अभी बनेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप पेशे को देंगे तो दोस्तों आप फंस जाएंगे। आने वाले समय भी आप सभी के लिए बहुत ही बुरा होगा और उनके नज़रों में आप बुरा ही बन जाएंगे। वो लोग जब उधार लेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि बाद में आपको
देखना तक नहीं चाहेंगे एक प्रकार से कि है, तो दोस्तों बहुत सारी बहाना बनाएंगे इस प्रकार के ऐसे लोग बनते हैं। तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों यश में कोई भी गैरकानूनी कार्य ना करें, इनसे बचें। दोस्तों जो भी कार्य सही हो हमेशा एक नंबर का कार्य करें। दोस्तों दो नंबर के कार्य से पेशी कमाने के यश में ना सोचें, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की स्थिति में भगवान शनिदेव आप सभी के साथ है, तो दोस्तों ये कर्म फलदाता है। अगर आप गैरकानूनी कार्य करेंगे तो दोस्तों इनसे आप सभी के आने वाला भविष्य में बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिनसे भगवान शनिदेव के कुछ बुरे फल भी आप सभी को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी लोग पिछले कई समय से नए कार्य की तलाश में थे, जो भी लोग दोस्तों पिछले कई समय से ऐसे कार्य की तलाश में थे जो कि उनके मन पसंद के कार्य थे, तो दोस्तों यशमी आपको वो कार्य प्राप्त होने वाले हैं। धन प्राप्ति के योग आप सभी के बन रहे हैं। जी दोस्तों यशमी आप सभी को बता दें कि जो लोग पिछले कई समय से किसी को पेशा देकर फंस गए थे, तो दोस्तों यशमी आपको वह पेशा वापस मिल सकता है। जी दोस्तों इनके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी आपकी राशि में महालक्ष्मी नाम का भी योग का निर्माण हुआ है, जिससे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में कई प्रकार की बहुत सारे ऐसे कार्य आवश्यक होंगे जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, जो कि आपके लाभ दिलाने के लिए, आपके भविष्य को सुधारने के लिए आवश्यक साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों प्रेम संबंध से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं, दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी आपके परिवार में आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। जो लोग के जीवनकाल में पिछले कई समय से प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं चल रही थी, तो दोस्तों वह समस्याएं अब दूर होने वाली है। शादी से दोस्तों यशमी बड़े बुजुर्गों का प्रेम और स्नेह आपके परिवार पर बना रहेगा। दोस्तों यशमी आपको अत्यधिक व्यस्तता के कारण कुछ ज़्यादा भी कार्य करने पड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों सभी कार्य समय पर भी पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। घर परिवार की सहयोग से आप अपने जीवनकाल के बहुत सारे मुश्किल कार्य को भी कर पाएंगे। यशमी आपके परिवार आपके बातों को भी समझने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी दोस्तों, वैवाहिक संबंधों में भी यशमी मधुरता बनने वाली है। शादीशुदा आप सभी को बता दें कि रिश्ते से जुड़े जो भी विवाद है, जो भी समस्याएँ हैं, वो सभी हल होने वाले हैं। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। शादीशुदा दोस्तों हम आप सभी को यह बात भी बता दें कि जो भी लोग विद्यार्थी के क्षेत्र में हैं, जो भी बच्चे विद्यार्थी के क्षेत्र में पढ़ाई से संबंधित कार्य कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई में अच्छी प्रगति कर सकते हैं, परंतु आपको ध्यान देना होगा। जी दोस्तों, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे संबंधित यश में सफलता के योग बन रहे हैं, और यश में आपके इशारे जो ग्रह होंगे दोस्तों आपके पक्ष में होंगे, भाग्य का पूरा आपको सहयोग मिलने वाले हैं। इसलिए इसमें समय का आप भरपूर लाभ उठाएं। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इसमें अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी सावधान रहना होगा। वैसे तो दोस्तों आप सभी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन दोस्तों बदलते मौसम के साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, इससे आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल ही अच्छा रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यशमी आपको अपने स्वास्थ्य में थोड़ी सी थकान भी हो सकती है। यशमी आपको क्या करना है कि अपने जीवनकाल में दोस्तों कुछ समय व्यायाम देना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, इससे दोस्तों आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों यशमी आपको बेफिजूल के तनाव लेने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, इनसे आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखें, इससे आप सभी का दिन मंगल ही मंगल होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।